नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार समाचार। दोपहर की इस वीडियो में विभिन्न भर्तियों से जुड़ी ताज़ा खबरें होती हैं जो अभ्यर्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए आज की ताज़ा खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम के संबंध में है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम आने में नवंबर का माह भी लग सकता है। सूत्रों के अनुसार अभी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम का कार्य चल रहा है, जिसे पूरा होने में कम से कम 1.5 से 2 माह का समय लग सकता है। आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य उत्पादन मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम 27 अक्टूबर से 9 नवम्बर के बीच जारी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आपका परिणाम जारी हो सकता है, तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आपका परिणाम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक जारी हो सकता है, जो मैंने आपको जानकारी पहले भी दी थी और जो जानकारी अब निकल के आ रही वही मैं आपको बता रहा हूँ। आज की दूसरी ताज़ा खबर 1700 पुलिस कर्मियों की भर्ती को लेकर है। उत्तराखंड में जल्द ही 1700 पुलिस कर्मियों की भर्ती होने जा रही है, जिसमें सिविल, फायरमैन और ट्रैफिक पुलिस के पद शामिल होंगे। उत्तराखंड में 1700 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा है कि देहरादून में आर्थिक अपराध थाना खुलेगा और उसमें पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होगी, जिससे आर्थिक अपराध थाना की कार्य व्यवस्था सही रूप से चल सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस विभाग की समीक्षा की, जिसमें पुलिस विभाग के IG गढ़वाल, अजय रावत रौतेला आज बड़े अधिकारी शामिल थे। पुलिस कर्मियों के 1700 पदों पर विज्ञापन दिसंबर या जनवरी माह 2020 में जारी हो सकता है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों या उत्तराखंड के हों, जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, उनके पास सुनहरा मौका है। जल्द ही विज्ञापन जारी होगा दिसंबर या जनवरी 2020 में, तो आप अपनी तैयारी इसी समय से शुरू कर दें। आपको इस चैनल के माध्यम से पल पल की जानकारी मिलती है। आइए आज की तीसरी ताज़ा खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन है। कोर्ट में महाधिवक्ता की उपस्थिति न होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है। जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई पूरी नहीं हो जाएगी और कोर्ट के द्वारा कटाव मार्ग को लेकर कोई फैसला नहीं सुना दिया जाता है, तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर 2019 निर्धारित की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब की बार कोर्ट में महाधिवक्ता भी उपस्थित रहेंगे और सुनवाई होगी। अब देखना यह होगा कि कोर्ट का कटाव मार्ग को लेकर क्या रुख रहता है, या 12 सितंबर 2019 को पता चल पाएगा। तो आप सभी 12 सितंबर 2019 का इंतजार करें। हो सकता है कि कोर्ट के माध्यम से कोई ना कोई फैसला दे दिया जाए, लेकिन ऐसी संभावना कम है। कोर्ट अभी फैसला नहीं सुनवाएगी और इतना तय है कि जब 12 सितंबर 2019 को सुनवाई होगी, बहस होगी, तो उसमें रुख तो पता ही चल जाएगा कि फैसला किस तरफ जा सकता है। तो आप 12 सितंबर 2019 का इंतजार करें। आपको इसी प्रकार की जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। आज की चौथी ताज़ा खबर संघ लोक सेवा आयोग की है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा CDS भर्ती परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर 2019 को किया गया था। अभ्यर्थियों का सवाल था कि सर, CDS भर्ती परीक्षा का कटऑफ कितना जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दें। तो आज मैं आपको CDS भर्ती का एक्सपेक्टेड कटऑफ मार्क बताऊंगा। तो आइए जान लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में 8 सितंबर 2019 को CDS भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। इस परीक्षा में कुल 340 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। इस परीक्षा में शामिल होने वाले बहुत से अभ्यर्थियों ने अपना मत दिया था। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि सवाल बहुत ज़्यादा कठिन था और कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि सवाल मध्यम स्तर का था। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि परीक्षा की कठिनाई से परेशान थे। कुछ अभ्यर्थी खुश भी थे, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में सवाल भी था कि CDS भर्ती परीक्षा का कटऑफ कितना जाएगा, क्या कटऑफ की सीमा रेखा को पार कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का नाम कटऑफ में आएगा उन सभी अभ्यर्थियों को SSB इंटरव्यू से गुजरना होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि CDS के अनुमानित कटऑफ के बारे में। CDS भर्ती परीक्षा अनुमानित कटऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA 123 क्वेश्चन से 127 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका चयन पक्का है। इंडियन नवल एकेडमी INA 113 क्वेश्चन से 117 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका चयन पक्का है। एयरफोर्स एकेडमी AFA
अगर आपके 138 से 142 क्वेश्चन सही हैं तो आपका चयन पक्का है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA मेल, अगर आपके 93 से 97 क्वेश्चन सही हैं तो आपका चयन पक्का है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA फीमेल, अगर 92 से 96 क्वेश्चन सही हैं तो आपका चयन पक्का है। तो जैसा कि आपने देखा है, CDS भर्ती जिसका आयोजन 8 सितंबर 2019 को किया गया था, उसका यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए ध्यान से, और ये 99% सही कट ऑफ है। आज की पांचवी ताज़ा खबर शिक्षक भर्ती को लेकर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के 37,335 पदों को भरने के आदेश दे दिए हैं, जिसके लिए बिहार स्टेट के माध्यम से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार स्टेट के लिए 9 सितंबर 2019 से आवेदन शुरू हो गया है और 18 सितंबर 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्टेट की इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट मैंने आपको दे दिया है। इस वेबसाइट पर आप जाइए, आप यहां से आवेदन कर पाएंगे। देखिए, इसमें लिखा गया है साफ साफ कि कक्षा 9वीं से 10वीं तक पेपर फर्स्ट। देखिए, विज्ञान के 5054 पद हैं, संस्कृत के 1054 पद हैं, सोशल साइंस के 5054 पद हैं, गणित के 5054 पद हैं, हिंदी के 3000 पद हैं, अंग्रेजी के 5054 पद हैं, उर्दू के 1000 पद हैं। पेपर टू कक्षा 11वीं से कक्षा 12वीं तक। कंप्यूटर साइंस के 1673 पद हैं, गणित के 2104 पद हैं, अंग्रेजी के 2125 पद हैं, भौतिकी के 2384 पद हैं, जूलॉजी के 723 पद हैं और रसायन विज्ञान के 2221 पद हैं, वनस्पति विज्ञान के 835 पद हैं। तो यह भर्ती बिहार में हो रही है, पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 37,335 पद हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं आवेदन करने के, अगर आपके पास योग्यता है, तो आप इसमें आवेदन ज़रूर करें।